सो गाइस ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 30% और ये है पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स, बेसिकली क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट है। और गाइस क्या होगा अगर हम इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर दें? सो गाइस बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसे मिक्स करने वाले हैं। सो गाइस मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी साइंस, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निकाल देते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, थोड़ी ही डालेंगे काम करते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा कोरोसिव भी हो सकती है, मतलब आपका हाथ जला सकती है, स्किन को भी डैमेज कर सकती है काफी बुरी तरीके से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड 30% है, देख सकते हैं 30% है कॉन्सेंट्रेटेड। तो चलिए अभी हम लोग इसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे। तो अभी हम लोग इसमें बस एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का, और आप रिएक्शन देखना क्या मजा आता है। तो चलिए सबसे पहले छोटा सा इसमें पीस निकाल लेते हैं, छोटा सा क्रिस्टल, यहाँ पर देखो कितना छोटा सा क्रिस्टल है, इसको भी आप चाहे तो आधा कर सकते हो, इतना सा आपको क्रिस्टल चाहिए सिर्फ रिएक्शन के लिए। मैं इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ भी नहीं पा रहा यार, बहुत गर्म हो चुकी है टेस्ट ट्यूब। सो गाइस यहाँ पर देखा आपने हमारे कितनी अमेजिंग रिएक्शन देखने को मिल जाती है, इसको हम साइड रख देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। सो गाइस आपको सो गाइस अब इसके पीछे की साइंस क्या थी, तो बेसिकली यार ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है काफी ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली H2O2, और ये बहुत बहुत ही मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है कंपाउंड, मतलब ऐसे नॉर्मली अगर उसको ऐसे भी रखोगे ना, ऐसे पड़े रहने दोगे रूम में लाइट में, तो ये अपने आप डीकम्पोज हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप रिलीज कर देगा अपने अंदर से, तो किसी भी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो क्या करते हैं जब हम पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, तो जब हम इसमें हम कैटलिस्ट डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, डीकम्पोज हो जाता है बेसिकली H2O और O2 में, जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत स्पीडली निकलती है, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा जल्दी होती है, इतनी ज्यादा वायलेंट होती है, आपने देखा कितने एक सेकंड में इसने कितने ज्यादा स्मोक निकाल दिया, स्मोक नहीं थी वैसे वो स्टीम थी बेसिकली, क्योंकि रिएक्शन में इतनी हीट जनरेट हुई, बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो गया, और तो यहाँ पर इतनी ज्यादा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिकली बॉइल हो रहा है, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही थी, इससे बॉइल्स होने लगा, ये बॉइल नहीं हो रहा था बेसिकली, यहाँ से बबल्स के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आ रही थी। तो गाइस ये होता है जब हम पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाते हैं, तो बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, KMnO4, ये भी बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह, लेकिन अभी ये एज अ कैटलिस्ट यूज करा हमने, तो डीकंपोजिशन, ये बेसिकली एक डीकंपोजिशन रिएक्शन थी। सो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, इसको लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, और गाइस अगर आपको ऐसी मजेदार साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपके पास कोई और मजेदार और इनोवेटिव आइडियाज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।